अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और ख़ैरियत से हैं तो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग जिसमें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं फ्राइड चिकन की रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और उसके साथ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से चिकन टिक्का रोल और उसके साथ ही बनाएंगे मज़ेदार सी फिलिंग के लिए ग्रीन चटनी जो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल सी रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स साथ शेयर भी कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग तो यहाँ सबसे पहले मैं व्लॉग में अपने चाय रख देती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था ये वाला व्लॉग शाम के टाइम से तो शाम के टाइम में तो चाय ज़रूरी होती है और मैं चाय में चीनी नहीं लेती इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे पत्ती ऐड कर रही हूँ और बस चूल्हा जला दिया था और चाय बनने रख दी थी और यहाँ पर आ गई थी मैं हमारी चिकन की तरफ तो बोनलेस फ्राई चिकन बनाएंगे हम बच्चों के लिए तो जो बच्चों को तो शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है नगेट्स वगैरह चाहिए होते हैं बट मैदा मैंने देखा तो मैदा अवेलेबल तो था नहीं तो मैंने कहा चले थोड़ी सी फ्राइड चिकन बना लेती हूँ तो फ्राइड चिकन के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया है एक अंडा हाफ टी स्पून सॉल्ट थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया ज़ीरा पाउडर सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे बस लाल मिर्च मैं थोड़ी ही ऐड करूँगी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि जब स्पाइसी जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों को खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी थी और साथ ही अदरक लहसन का पेस्ट ऐड किया था वन थर्ड टीस्पून ये दोनों चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और चिकन जो है मैरिनेशन में ही जल्दी गल जाती है लेकिन मैं इसे मैरिनेट करके ज़्यादा देर रखूंगी नहीं बस हल्का सा मिक्स करके इसे डायरेक्ट ही मैंने यहाँ फ्राई कर दिया है तो ये आप बना के मैरिनेट करके रख भी सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़े से फ्राई करूँगी बाकी सारे मैं मैरिनेट करके यानी एक कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी तो ये आप आराम से दो दिन यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रीज़र में रख दें तो आप ज़्यादा दिन भी इसे यूज़ कर सकते हैं मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि जो है मुझे फ़्लू हुआ हुआ था क्योंकि ठंड का सीज़न चल रहा है यहाँ पे सर्दी अचानक ही बहुत ज़्यादा आ गई है तो बस सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ऐसी हो जाती है कि बस या तो वायरल हो जाता है या फ्लू हो जाता है या कफ़ हो जाता है तो यहाँ पे मैंने देखी कंटेनर में बंद करके रख दिए थे बाकी के बचे हुए नगेट्स और यहाँ पे मैंने चाय भी भर ली थी चाय हमारी हो गई थी तैयार तो आज मैं और पापा ही सिर्फ घर पे थे अम्मी और भाई किसी काम से बाहर गए थे तो मैंने सोचा चलें पापा के साथ चलते हैं छत पे क्योंकि उमर भी पापा के साथ काफ़ी ज़िद कर रहा था तो यहाँ पे मैंने पापा की चाय में चीनी भी मिला दी है और बस अब हम चलेंगे छत पे आजकल सर्दियों का मौसम है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं गरम-गरम मूँग आती हैं है। ये वाली है शकरकंदी है हम इसे शकरकंदी कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा और नगर भी मैंने निकाल लिए थे और उमर ने थोड़ी सी फ्राइज़ भी मंगवा ली थी तो वो मैंने इसमें सर्व कर दी थी और अब हम चले गए थे छत पर यह था टाइम पाँच बजे का टाइम था लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी छत पर तो बस चाय वगैरह पी के हम वापस नीचे आ गए थे और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी चिकन टिक्का रोल बनाने की तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है वन थर्ड टी स्पून धनिया ज़ीरा ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और उसके साथ लाल मिर्च मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून और उसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी सिनेमन पाउडर और सॉल्ट ऐड करूँगी अपने हिसाब से यहाँ पे वन टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट वन वन टी स्पून दोनों में इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ देखिए मैंने दही अच्छे से फेंट लिया है और उसके बाद मैं फिटा हुआ दही यहाँ पे तकरीबन वन थर्ड कप है यानी टू से थ्री टेबल स्पून भर के मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स अच्छा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था स्टार्टिंग में आ, वो वीडियो में शूट नहीं हुआ तो वो मैंने वन थर्ड टी स्पून ऐड किया था और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ यानी एक पिंच के बराबर मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर रही हूँ गरम मसाला अचन सारी चीजों को देखिए अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है जिससे हम मैरिनेट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ले ली थी चिकन बोनलेस चिकन है ये एक ब्रेस्ट पीस पूरा ले लिया था जिसे मैं बिल्कुल स्लाइसेस में कट कर लूँगी आप जिस तरह चाहते हैं ऐसे कट कर सकते हैं स्लाइसेस में कट कर सकते हैं या फिर क्यूब्स में कट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने बिल्कुल पतला पतला से कट कर लिया था क्योंकि हम जिस तरह शवरमा बनाते हैं उसी तरह हम इसे बनाएंगे ताकि चिकन जो है फ्राई होने के बाद इसके पतले पतले से और भी पीसेस हो जाएंगे तो सारे जितने भी पीसेस थे मैंने यहाँ पे एक हमारा जो मैरिनेशन के लिए पेस्ट तैयार किया था उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स देखिए कितने अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो गई है और उसके बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए तो एक घंटे बाद फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी हरी चटनी तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में धनिया जो था वो अच्छे से मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है और पुदीना थोड़ा सा साफ़ करके वॉश करके इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छा ये मैं बिल्कुल सिंपल इजी सी चटनी बना रही हूँ जिसमें ऐड होगा हरा धनिया हरा पुदीना और उसके साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक हरी मिर्च ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए बस इसीलिए एक ही हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगी और उसके साथ कुछ मसाले ऐड होंगे साबुत ज़ीरा ऐड होगा हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया ऐड होगा हाफ टी स्पून और उसके साथ लहसन का पेस्ट ऐड होगा वन थर्ड टी स्पून अदरक का पेस्ट ऐड होगा वन थर्ड टी स्पून और सॉल्ट ऐड करूँगी बिल्कुल वन थर्ड टी स्पून के बराबर और यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ दही मैंने वन टेबल स्पून ऐड कर लिया था इसके अंदर तो यहाँ देखिए हरी चटनी भी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी बस थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ये हम चिकन टिक्का रोल की फिलिंग में ऐड करेंगे हरी चटनी अगर आप चाहें तो इसे यानी एज अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ देखिए हरी चटनी हमारी बनके बिल्कुल हो गई है तैयार और बस इसे मैं एक बोल में निकालूंगी अच्छा ये वाली जो हरी चटनी है मुझे उसी टाइम यूज़ करनी है इसलिए मैंने इसमें सिरका और ऑयल जो है वो ऐड नहीं किया अगर आप चाहते हैं कि आप इसे स्टोर करके रख दें तो आप इसमें सिरका और ऑयल भी ज़रूर ऐड करें और इसमें आप दही ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि वो फिर रायते का लुक आ जाता है इसमें तो यहाँ देखिए मैंने पैन में चूला जला लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है अच्छा ऑयल इसमें मैंने वन टीस्पून ही ऐड किया है और जितने भी पीसेस हैं सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अच्छा ये मेरीनेशन बड़ी अच्छी होती है कि आप मैरिनेट करके इसे फ्रीजर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहता है आप इसे निकालें फ्राई करें और आप ऐसे ही इसे रोटी या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी शामी कबाब वगैरह में आप आलू के साथ इसे श्रेड करके इसके आप इसे मिक्स कर सकते हैं तो यहाँ देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बिल्कुल गल गए थे तो मैंने इसे बिल्कुल प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है इसे दस से पंद्रह मिनट लगे थे ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं तो देखिए इस तरह से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दूँगी अच्छा यहाँ पे फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइस कर लिया था प्याज कैबेज और उसके साथ यहाँ पे जो चिकन हमने फ्राई की थी उसके इस तरह से पीसेस कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने चीज़ ले ली थी और गरम गरम सी चपाती मंगवा ली थी ये फरमाइशी चपाती कहते हैं हमारे यहाँ आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और यहाँ देखिए चटनी भी हमारी तैयार थी बस चीज़ का जो पैकेट है वो मैं खोल लूँगी और यहाँ पे फिलिंग करना है, स्टार्ट कर दूँगी अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले बेस पे मैं इसमें ऐड करूँगी हरी चटनी हरी चटनी को अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसके साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजीज यानी कि कैबेज और यहाँ पे मैंने स्लाइस ऑनियन ले ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और उसके साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा रोल है आप इसे शाम में स्नैक्स में भी बना सकते हैं मैंने इसे रात के डिनर के लिए बनाया था और उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से और हरी चटनी ऐड कर देंगे आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं कैचअप भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने इसे सिंपल रखा था यहाँ देखिए चीज़ किस तरह से आप कटिंग करके इसमें इस तरह से ऊपर से सजा सकते हैं अच्छा खाने से पहले से हल्का सा गर्म करेंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए बस ये रोटी गरम गरम थी और चिकन भी काफ़ी गरम था तो बस इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट इस तरह पैक कर दिया है तो एक बटर पेपर की हेल्प से आप इसे इस तरह से रैपिंग कर सकते हैं ताकि लगेगा कि बाहर का रोल आपने मंगवाया है लेकिन देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सा सिंपल और इजी रेसिपी के साथ रोल बन तैयार है और यहाँ पे मैं लास्ट रोल बना रही हूँ तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करके देखती हूँ और ये वाले रोल को मैं थोड़ा गर्म कर लूंगी तो देखिए इस तरह से हमारे सारे रोल जो है वो तैयार हो गए हैं तो आप अगर चाहें तो इसे केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं मैंने इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय किया था तो देखा आपने कितनी इजी और सिंपल सी रेसिपी बन के हो गई है हमारी तैयार और बहुत ही मज़ेदार से रोल बने थे ये आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी वीडियोस मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी एक न्यू वीडियो और एक न्यू ब्लॉग के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़